Hi everybody, I'm here with you from digitalsguide.com and we are going to start search engine optimization tutorials. And I'm here with you with lecture number one. आज हमारा पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू SEO. लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रोज़ाना हम कोशिश करेंगे कि एक एक लेक्चर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे एक लेक्चर डिलीवर कर सके और उसको अपलोड कर सके. तो यू पीपल स्टे विद अस एंड कीप विजिटिंग आवर चैनल डिजिटल गाइड और हमारी वेबसाइट को भी आप लोग विजिट कर सकते हो गाइड ट्यूटोरियल्स के लिए www.digitalguide.com. तो मूव करते हैं हम टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ. और टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास आज के लेक्चर में क्या है, नंबर वन हमारे पास है हमने अंडरस्टैंड करना है SEO को कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसका शॉर्ट फॉर्म है SEO क्या चीज़ है. सेकंड हमारे पास आ जाती है व्हाट आर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है SEO के अंदर जो हम यूज़ करते हैं. आगे वन बाय वन हम इसको देखेंगे तो स्टूडेंट्स को जितने भी व्यूवर्स हैं हमारे उनको समझ आ जाएगी. तीसरी जो हमारे पास चीज़ है वो सर्च इंजन है जिसके अंदर हम अपने वेब पेजेस को ऑप्टिमाइज करते हैं, उसको पढ़ेंगे कि वो क्या चीज़ है बेसिकली. द फोर्थ वन इज़ हाउ सर्च इंजन वर्क्स और सर्च इंजन किस तरह काम करते हैं. ओके अच्छा, सो द नंबर वन थिंग इज SEO. SEO की डिफिनीशन नेचुरली अगर देखा जाए तो बहुत ही जगहों पे डिफरेंट वे से, अगर आप लोग गूगल करें तो डिफरेंट वे से आप लोगों को डिफिनीशन मिलेंगी. लेकिन अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे जो मैंने डिफिनीशन लिखी हुई है, कंप्लीट डिफिनीशन, इसको मैं समझता हूँ कि इसको अगर हम पढ़ना शुरू करें तो इन इंग्लिश SEO इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वेब पेजेस ऑन टॉप इन सर्च इंजन्स. हम क्या करते हैं SEO के अंदर, हम अपने वेब पेजेस को सर्च इंजन्स में टॉप पे लाते हैं. और वो सर्च इंजन कौन कौन से हैं हमारे पास, नॉर्मली एक गूगल है जो पूरी दुनिया में द टॉप द नंबर वन है, सेकंड याहू है, बिंग है और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं. अच्छा, डिफिनीशन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, थ्रू ऑर्गेनिक एंड नेचुरल वेज एंड टेक्निक्स अगेंस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स एंड कीवर्ड्स. हम क्या करते हैं इसके लिए कि हम SEO में ऑर्गेनिक और नेचुरल वेज एंड टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और हम उन पेजेस को जो जो कीवर्ड्स है, जो कीवर्ड्स है, जो की फ्रेजेस है उनके अगेंस्ट अपनी वेब पेजेस को टॉप सर्च इंजन में टॉप पे लाते हैं. अच्छा, अगर उर्दू में थोड़ी सी इसको ज़्यादा इन डिटेल डिफाइन किया जाए तो हम क्या कहेंगे कि सर्च इंजन नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोसेस है या डिजिटल मार्केटिंग का ऑर्गेनिक टाइप ऑफ मार्केटिंग है जिसके थ्रू हम अपने वेब पेजेस को अपनी कीवर्ड्स के अगेंस्ट सर्च इंजन में टॉप पे लाते हैं फॉर द सेक ऑफ टू गेट ट्रैफिक. टॉप पे आएंगे तो लाजमी सी बात है कि किसी भी, फॉर एग्जांपल गूगल के अंदर हम किसी अपनी किसी वेब पेज को किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट टॉप पे लाते हैं तो इसका मतलब है जब वो टॉप पे आएगा तो मैक्सिमम लोग सर्च करेंगे, लोग सर्च करेंगे तो हमारा वेब पेज नज़र आएगा, हमारा वेब पेज नज़र आएगा तो यूज़र ने लाजमी बात है कि उसे भी क्लिक करना है. उस पर क्लिक करेंगे तो सीधी सी बात है कि हमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिलेंगी, यूज़र ज़्यादा हमारे पास आएगा. फॉर एग्जाम्पल हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो यूज़र ज़्यादा देखेंगे हमारे प्रोडक्ट्स को ज़्यादा परचेज करेंगे, उनको ज़्यादा इंट्रैक्ट करेंगे, हमारे ब्रांड को ज़्यादा लोग देखेंगे, ब्रांड पोजीशन भी हमारी होगी, सेल आउट भी हमारा ज़्यादा होगा. तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, ट्रैफिक ज़्यादा आएगी, लोग ज़्यादा आएंगे, पहचाने लगेंगे और हमारा सेल डे बाय डे बढ़ता जाएगा. ओके अच्छा, फॉर द सेक ऑफ मैंने बता दिया कि हम किस लिए क्यों करते हैं कि ट्रैफिक को नॉर्मली हम ट्रैफिक क्या चीज़ है, लाइक कि लोग जब सर्च इंजन में सर्च करते हैं, कोई भी बंदा सर्च करता है किसी भी कीवर्ड को और हमारे वेबसाइट पे लैंड करता है तो वो हमारे ट्रैफिक या विजिटर बन जाता है. वो विजिटर उसके बाद थोड़ा सा इंगेज करता है हमारी वेबसाइट के साथ, पढ़ने की कोशिश करता है. हाँ, यूज़र के टाइप्स काफ़ी सारे होते हैं. अगर वो ट्रांजेक्शन यूज़र है, मतलब कि वो यूज़र जिसको हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो इंगेज करता है, समझता है और फिर इफ़ ही नीड इफ़
इफ ही और शी नीड अवर प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं और परचेज करता है। तो ये लाजमी नहीं है कि ऑल द टाइम हमारे पास SEO की पेजेस डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के, हमारे पास लोग डिफरेंट वेबसाइट्स बनाते हैं, किसी की प्रोडक्ट है, किसी की सर्विसेज, किसी की इंफॉर्मेशन है, किसी की ब्लॉग्स है, कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, किसी की वीडियोस है, तो डिफरेंट पर्पसेस है और डिफरेंट पर्पसेस की लोग अपनी वेब पेजेस की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। हम गूगल पे जाते हैं, यहाँ पे हम कीवर्ड, फॉर एग्जांपल मैं कीवर्ड ले लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कीवर्ड ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो गूगल के हमारे इसी पेज पे कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं और ये रिजल्ट्स, इनको नॉर्मली हम कहते होते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, मतलब इस क्यूरी के अगेंस्ट जो रिजल्ट पेजेस है वो ये हमारे पास सामने आ गए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले पेज पे हमारे पास 10 रिजल्ट्स है, टोटल 10 ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, यस, एक और चीज़, इन इस SERPs को नॉर्मली 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आते हैं, ऑर्गेनिक वो रिजल्ट जो ऑर्गेनिकली विथ रेपुटेशन, किसी वेबसाइट की रेपुटेशन अच्छी है, किसी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी है, किसी वेबसाइट का ट्रैफिक, तो किसी ने अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ की है तो वो वेबसाइट टॉप पे आई है, तो गूगल उनको टॉप पे लाया। ये वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है जो SEO के थ्रू आते हैं या डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन चलाए हुए हैं लोगों ने, तो उसके थ्रू ये रिजल्ट्स हमारे पास आए हुए हैं। तो ये तकरीबन 10 रिजल्ट्स हैं, इनको मैं गिनता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अच्छा, एक टॉप वाला मैंने कर दिया, तो मतलब टोटल 10, 11 समटाइम 10 रिजल्ट्स है। अच्छा, सेकंड हमारे पास आ जाता है पैड रिजल्ट्स। पैड वो रिजल्ट्स है कि जो लोग गूगल के एक मार्केटिंग कैंपेन्स लोग चलाते हैं, एक टूल है जिसको कहते होते हैं गूगल एडवर्ड्स। गूगल एडवर्ड्स के अंदर लोग क्या करते हैं, अपनी कीवर्ड्स के अगेंस्ट, अपनी वेबसाइट के अगेंस्ट कैंपेन चलाते हैं और उन उस एक कीवर्ड पे बिड करते हैं, और जो जिस कीवर्ड पे बिड वो करते हैं उस कीवर्ड के अगेंस्ट वो रिजल्ट्स गूगल डिस्प्ले करता है इन स्पेसिफिक रीजन। लाइक ये यहाँ पे अगर मैं देखा तो USA रीजन है, USA रीजन के अंदर मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज किया, तो मतलब 1, 2, 3, 4 ये 4 रिजल्ट्स गूगल ने डिस्प्ले कर दिए, पेड रिजल्ट्स है। जब भी मैं इनमें से किसी भी एक पे क्लिक करूँगा तो गूगल इनसे इनको चार्ज करेगा पर क्लिक, में भी $1 हो, $0.50 हो या कुछ सेंट्स हो, ठीक है। तो 4 रिजल्ट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और एंड पे हमारे पास 3 रिजल्ट्स आने चाहिए, 1, 2, 3, 3, मतलब 7 रिजल्ट्स हमारे पास पेड आते हैं। और ओके, हम वापस जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर SEO। SEO की सारी कहानी आगे पीछे घूमती है कीवर्ड्स की। तो अगर इंग्लिश में नॉर्मली इसको हम डिफाइन करते हैं तो कीवर्ड्स आर द टर्म्स आर क्वेरीज यूजर यूज टू सर्च फॉर सम इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड सर्च इंजन। कोई भी बंदा किसी को कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई वीडियो देखना चाहिए या कोई भी चीज़ उसको थ्रू आउट इंफॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में पूरी दुनिया में साइबर स्पेस पे डिजिटल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ चाहिए तो वो सबसे पहले क्या करता है, सर्च इंजन पे जाता है, सर्च इंजन में जाके कुछ लिखना शुरू कर देता है, अपना क्वेश्चन जिसको हम की फ्रेजेस कह सकते हैं, कीवर्ड्स हम उनको कह सकते हैं, उनको हम उनकी क्वेरीज कुछ टर्म्स कह सकते हैं, क्वेरीज कह सकते हैं। वो क्वेरी करता है गूगल में या किसी और सर्च इंजन में, बिंग में करता है या किसी और सर्च इंजन में क्वेरी करता है, तो उनको नॉर्मली हम इन द लैंग्वेज ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। तो वो कीवर्ड्स
नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए कि वेब डिज़ाइन हमारे पास एक कीवर्ड बनता है, डिजिटल मार्केटिंग भी कीवर्ड है, एसईओ सर्विसेज भी कीवर्ड है। अच्छा, हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कीवर्ड्स आ गए हमारे पास, हम इनमें से कोई भी एक कीवर्ड उठाते हैं और सर्च करते हैं कि ये किस तरह एसईओ के अंदर, वेब पेजेस के अंदर हम किस तरह यूज़ करते हैं और वो किस तरह गूगल शो करता है पेजेस के अंदर। जो रिज़ल्ट एसईआरपीज़ है, जो पहले हमने बात की सर्च इंजन रिज़ल्ट पेजेस के अंदर, वो किस तरह शो होते हैं, तो चले देखते हैं उसको। अच्छा, यहाँ पे हमारे पहले वही पुरानी क्यूरी ऑलरेडी हमने की हुई है, उसी को हम देखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को। अच्छा, नीचे अगर हम आएँ तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है, दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज टॉप रैंक। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इनके टाइटल में हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आ रहा है और हमारी क्यूरी भी यही है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो गूगल इसको टॉप पे ले आया है। ठीक है, तो ये लाजमी नहीं है। अच्छा, सेकंड यहाँ पे देखा, ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के टाइटल में भी यूज़ हुआ है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसकी यूआरएल में भी इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। हाँ, एंड द थर्ड थिंग, यहाँ पे हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इनकी डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ हुआ है। तो मतलब उन्होंने रेलेवेंसी बनाई हुई है उनके टाइटल से लेकर, यूआरएल से लेकर उनके डिस्क्रिप्शन तक, मेटास कंप्लीट मेटास के अंदर उन्होंने अपनी रेलेवेंसी क्रिएट की हुई है। अगर एग्जांपल के तौर पे हम तीसरा रिजल्ट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो तीसरे रिजल्ट के अंदर भी उन्होंने यूज़ किया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है। उसके बाद यूआरएल के अंदर भी कुछ अगर देखा जाए तो ये दिस इज़ मार्केटिंग और उसके बाद ये सर्विसेज है, तो इसका मतलब है डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग और सर्विसेज, ये दो कीवर्ड यूज़ की हुई है। और जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी काफ़ी काफ़ी दफ़ा उन्होंने मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग या सर्विसेज या मार्केटिंग कंसल्टिंग सर्विसेज, तो किसी न किसी फॉर्म से उन्होंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये कीवर्ड रेलेवेंसी क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने जो हमारे पास मेटा टैग्स है, मेटा रिजल्ट, जो आगे हम ऑन पेज के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेटा टैग्स, इसको हम पढ़ेंगे ऑन पेज के अंदर, तो उन्होंने ये सारे कीवर्ड यूज़ किए। अब यहाँ पे द क्वेश्चन है इसकी, मतलब कोई भी बंदा अगर फॉर एग्जांपल यही कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को या कोई भी उसका जो रिक्वायर्ड कीवर्ड है उसको उठा के यूज़ करता है अपने वेब पेज के अंदर, अपने टाइटल के अंदर, अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर या अपने यूआरएल के अंदर, तो वो हर वो बंदा टॉप पे आएगा ना? ऐसा नहीं है, हर वो बंदा टॉप पे नहीं, हर वो बंदा टॉप पे आ सकता है कि जिसकी सबसे बेटर स्ट्रेटजी वो यूज़ करता हूँ, जो सबसे बेटर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑर्गेनिक यूज़ करता हूँ, जिसकी कंटेंट मार्केटिंग परफेक्ट हो और जिसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू गूगल रूल्स हो, जो गूगल की रूल्स को, जो गूगल की गाइडलाइंस को वायलेट ना करता हूँ, और जो सबसे बेटर ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स यूज़ करता हूँ, जो सबसे बेटर यूज़र एक्सपीरियंस देता हूँ, जो सबसे बेटर थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज़र इंगेजमेंट देता हूँ। और इस तरह की काफ़ी सारे फैक्टर है जो गूगल कैलकुलेट करता है। अगर हम ऑन पेज के अंदर देखा जाए तो आपकी लोडिंग स्पीड से लेकर, आपकी यूआरएल से, आपकी लोडिंग स्पीड से, गूगल पर पेज डाउनलोडिंग स्पीड है हमारे पास कैलकुलेट होती है। उसके बाद हमारे पास यूज़र लोडिंग स्पीड, कोई भी यूज़र यहाँ पे क्वेरी करता है और किसी रिजल्ट पे क्लिक करता है और कितनी जल्दी वो वेबसाइट लोड हो जाती है, तो वो भी एक वेबसाइट लोडिंग स्पीड, वो वेबसाइट लोडिंग स्पीड आपकी होस्टिंग, इवन होस्टिंग की जो लोडिंग स्पीड है उस पर डिपेंड करती है। आपकी वेब पेज की लोडिंग स्पीड पे आपने कितने ग्राफिक्स हैवी यूज़ किए, कंटेंट कितना हैवी है उसके अंदर, नेविगेशन किस तरह है, आर्किटेक्चर किस तरह, स्ट्रक्चर किस तरह है उसके अंदर, थ्रू आउट इंटरनल लिंकिंग आपने किस तरह की हुई है, यूज़र एक्सपीरियंस आपने किस तरह यूज़ की हुई है, कंप्लीट डिजिटल स्ट्रेटजी जो आपने डिफाइन की हुई है, तो ये सारी चीज़ें डिजिटल स्ट्रेटजी ऑफ योर वेब स्ट्रेटजी भी डिपेंड करती है कंप्लीट, और आपकी कंप्लीट डिजिटल स्ट्रेटजी, जितनी भी मार्केटिंग कैंपेन्स आपने यूज़ किए है उसमें ऑर्गेनिक कैंपेन्स भी आ जाती है, उसमें पेड कैंपेन्स भी आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मैटर करती है। तो उनके थ्रू ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो कि अब गूगल आपकी वेबसाइट की, किसी भी बंदे की वेबसाइट को जो गूगल समझता है कि
it have the better user experience and it have the authority to show on the first page of Google, तो वो Google उसी वेबसाइट को शो कर देता है. अब ये पहले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा बता दिया, लेकिन आगे ये सारी चीज़ें वन बाई वन हम पढ़ेंगे तो ये क्लियर होंगे. ओके, अब आगे हम चलते हैं. आगे हमारे पास टॉपिक में क्या है? अच्छा, जो तीसरी हमारे पास चीज़ है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ व्हाट इज़ सर्च इंजन. हम SEO जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो कहाँ पे करते हैं? नॉर्मली तो लाजमी सी बात है कि सर्च इंजन के अंदर ही हम करेंगे हम वेबसाइट को, क्योंकि अल्टीमेटली लोग कहाँ पे जाते हैं आपकी सर्च इंजन की को खोल के उसके अंदर लोग सर्च करते हैं, तो तभी हमारे रिजल्ट्स आने चाहिए. तो हम ऑप्टिमाइजेशन सर्च इंजन के अंदर ही करते हैं, तो उसके लिए लाजमी है कि कोई भी बंदा ही और शी रिलेटेड टू SEO या डिजिटल मार्केटिंग या ही शी इज़ रिलेटेड टू डिजिटल वर्ल्ड, तो ही और शी मस्ट नो कि व्हाट इज़ सर्च इंजन, कि सर्च इंजन क्या चीज़ है. नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर वेब डिफिनीशन, मैंने एक एक हर चीज़ की डिफिनीशन इंग्लिश में भी लिखी है, फिर उसको मैं कोशिश करता हूँ डिफाइन करूँ उर्दू में ताकि सही समझ आ जाए. तो यहाँ पे जो मैंने डिफिनीशन लिखी हुई है, दैट इज़ अ वेब सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट सर्चिज़ फॉर इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वीडियोस, ऑडियोस और ग्राफिक्स. क्या चीज़ें हमारे पास सर्च इंजन? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम पे, एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम पे है जो कि कॉन्टीन्यूसली इंफॉर्मेशन को सर्च करता है www वेब पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे सर्च करता है. और वो इंफॉर्मेशन, वो चीज़ें, वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, डेटा किस फॉर्म में वो डेटा हो सकता है, या टेक्सुअल फॉर्म में डेटा हो सकता है, या वीडियो की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियोज की फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिक्स की फॉर्म में हो सकता है, इन्फोग्राफिक्स की फॉर्म में हो सकता है, पॉडकास्टिंग हो सकती है, इस तरह की ये जितनी भी है, ये सारी फॉर्म्स ऑफ डेटा है. और इसी डेटा को उठा के वो सर्च करता है. सबसे पहले सर्च करता है, सर्च करने के बाद वो उसी डेटा को उठाता है, अपने डेटाबेस में सेव कर देता है. इसी प्रोसेस को आगे हम पढ़ेंगे. मेरे ख्याल में इसके बाद एक स्लाइड मैंने बनाई हुई है, उसमें हम डिफाइन करेंगे कि गूगल किस तरह ये सारा प्रोसेस सर्चिंग करता है, किस तरह अपने डेटाबेस में सारी इंफॉर्मेशन सेव करता है. तो ये वन बाय वन पढ़ेंगे. अच्छा, उसके बाद सर्च इंजन हमारे पास काफ़ी सारी दुनिया में देखा जाए तो बहुत सारे मतलब कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए सर्च इंजन हमारे पास बने हुए हैं. लाइक कि गूगल द टॉप वन सर्च इंजन है हमारे पास, 82 to 85% यूज़ लोग करते हैं. उसके बाद याहू और बैंग है, 7 to 9% देखा जाए तो यूज़ करते हैं. उसके बाद जो 8-10-15% जो बकाया सर्च इंजन है हमारे पास, ask.com है, इस तरह की वीडियोस, यूट्यूब भी हमारे पास एक वीडियो सर्च इंजन है, हम सर्च इंजन उसको कहते हैं. ठीक है, इस तरह काफ़ी सारे, अगर आप गूगल पे जाके फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ई कॉमर्स वेबसाइट का सर्च इंजन देखना चाहे तो उनके लिए भी कोई स्पेशली कोई एक स्पेसिफिक टाइप का सर्च इंजन बना होगा. आप उनको उसको सर्च करते हुए शॉपिंग कार्ट सर्च इंजन, ठीक है, प्रोडक्ट सर्च इंजन, उसके अलावा जॉब्स की भी सर्च इंजन काफ़ी सारे हमारे पास बने हुए हैं जॉब्स की स्पेसिफिक. लेकिन वो जो सर्च इंजन है वो स्पेसिफिक चीज़ के लिए, एक स्पेसिफिक निश को डिफाइन करने के लिए, देखिए मतलब उसके अंदर आप एक किसी स्पेसिफिक चीज़, लाइक अगर जॉब का सर्च इंजन है तो उसमें आप जॉब सर्च कर सकते हो, अगर किसी शॉपिंग कार्ट है तो उसके अंदर आप कोई भी चीज़ आपने लेनी तो वहाँ भी जाके आप सर्च करते हो, तो मल्टीपल जगहों से, मल्टीपल जो शॉपिंग कार्ट है ई कॉमर्स की वेबसाइट से, उनसे रिजल्ट्स वो लाएगा. तो इसी तरह, लेकिन ये जो हमारे पास है ये जेनेरिक टाइप्स के हैं. गूगल इज जेनेरिक टाइप, गूगल है, याहू है, या बिंग, ये जेनेरिक सर्च इंजन है. मतलब पूरी दुनिया में चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे एनीथिंग आर्टिकल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो वो डिपेंड करते हैं आपकी क्यूरी पे. आप कोई भी क्यूरी उसके अंदर करते हैं तो उसके अगेंस्ट उनके डेटाबेस में जो भी रिजल्ट सेव होते हैं वो, तो वो डिस्प्ले कर देते हैं. अच्छा, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि सर्च इंजन कैसे काम करते हैं. तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना
मैं थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करूंगा और इसके बारे में काफ़ी सारे इन डिटेल आर्टिकल लिखे हुए, इन डिटेल्स लोगों ने लंबे लंबे आर्टिकल लिखे हुए, आप उनको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो सर्च इंजन में बेसिकली अगर देखा जाए तो उसकी कंप्लीट फंक्शनलिटी को तीन चीज़ों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एक क्रॉलिंग है, एक इंडेक्सिंग है, और तीसरी चीज़ हमारे पास है रिट्रीविंग रिजल्ट्स। तो सबसे द फर्स्ट थिंग इज क्रॉलिंग। सर्च इंजन सबसे पहले 24/7 एवरी सेकंड कॉन्टिन्यूसली गूगल का एक स्पेशल टाइप का एक सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जिसको स्पाइडर भी कहते हैं, बॉट भी कहते हैं, क्रॉलर भी कहते हैं, जो कॉन्टिन्यूसली क्रॉलिंग करता है थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड वेब, पूरी दुनिया में, पूरी साइबर स्पेस में, डिजिटल स्पेस में जितने भी वेब पेजेस होते हैं उनको क्रॉल करता रहता है, उनकी टाइटल से लेकर टाइटल, उनकी मेटा टैग्स, उनकी अंदर जो यूआरएल होता है, यूआरएल से लेकर टाइटल, मेटा टैग्स, कंटेंट, डिज़ाइन, नेविगेशन, जितने भी पेजेस, कम्प्लीटली हर एक चीज़ वन बाय वन एक एक पेज को क्रॉल करता है सेकंड पे। उसके बाद क्रॉलिंग कंप्लीट होने के बाद सेकंड पार्ट है इंडेक्सिंग, उसी कंटेंट को क्रॉल करके इंडेक्स करता है, मतलब उसका स्नैपशॉट लेके या उसी डाटा को कंप्लीट उठा के अपने डेटाबेस में सेव कर देता है। तो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले क्रॉलिंग हो गई, ठीक है, क्रॉलिंग में कंप्लीट वेबसाइट को, किसी भी वेबसाइट को या किसी वेबसाइट के कुछ पेजेस को क्रॉल हो गई, उसके बाद इंडेक्स कर दिया और अपने डेटाबेस में सेव कर दिया। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, रिट्रीविंग रिजल्ट्स, जिसका कंसर्न यूज़र के साथ है, तो उस डेटा को, उस कंटेंट को उठाता है और यूज़र कोई भी क्वेरी करता है तो यूज़र के अगेंस्ट वो डिस्प्ले कर देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम जाते हैं वापस उसी क्वेरी पे जो हमने की हुई है। अच्छा, ये दोबारा से मैं सर्च यहाँ पे करता हूँ उसी क्वेरी को सेम। यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारे पास कीवर्ड है और उसी कीवर्ड्स के तकरीबन यहाँ पे हमारे पास ये अगर देखा जाए तो मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स गूगल डिस्प्ले करता है, ठीक है। गूगल कहता है कि मिलियंस ऑफ रिजल्ट में से ये पहला पेज है जो कुछ रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो और 0.7 सेकंड्स आप कह सकते हैं, 0.7 सेकंड में गूगल ने इस रिजल्ट को सर्च करके अपने डेटाबेस में सर्च करके मैच करके क्वेरी के साथ हमारे सामने ये रिजल्ट्स डिस्प्ले कर दिए। तो हुआ क्या है, नॉर्मली क्रॉलिंग पहली हुई है, गूगल ने इस कीवर्ड के अगेंस्ट जितने भी डेटा है हमारे पास, जो रेलिवेंसी है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के अगेंस्ट, जितनी भी रेलिवेंसी बनती है पूरी डिजिटल स्पेस वर्ल्ड वाइड वेब, वेब के अंदर जितना भी डाटा गूगल को मिल रहा है उस डाटा को उठा के अपने डेटाबेस में सेव किया हुआ है। अभी मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की क्यूरी की है, तो वो क्यूरी गूगल ने उठाई है, सबसे पहले उठा के अपने डेटाबेस के अंदर सर्च की है, देखा कि उसके डेटाबेस में कौन कौन से रिजल्ट, कितने पेजेस पड़े हुए हैं जो कि रिलेट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के साथ, जो 100% उस जिसकी रेलेवेंसी बनती है, एक्चुअली यूज़र जो जिसने यूज़र यूज़र ने जो क्यूरी की है उसकी रेलेवेंट कौन कौन से इंफॉर्मेशन मेरे डेटाबेस में पड़े हैं। तो फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके वेबसाइट की अथॉरिटी दे की, वेबसाइट की यूज़बिलिटी दे की, वेबसाइट की रैंकिंग दे की, उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके हमारे पास कुछ पेड रिजल्ट्स ये टॉप 4 आ गए और नीचे भी कुछ है, और फिर हमारे पास ये नीचे जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है उनको डिस्प्ले कर दिया। तो दैट्स व्हाट जिस किस तरह जो सर्च इंजन काम करता है। अच्छा, आगे चलते हैं, हमारे पास द नेक्स्ट इज़ के वाई एसईओ, कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम क्यों करते हैं, क्यों लाजमी है। तो ये यहाँ तक इस लेक्चर में कुछ ना कुछ आप लोगों का अंदाज़ा हो गया होगा कि हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों करते हैं, लेकिन नॉर्मली फिर भी अगेंस्ट मैं कुछ चीज़ों को, कुछ रियल फैक्टर्स को सामने लाने की कोशिश करता हूँ। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो हमारे पास देर
इज़ अबाउट तकरीबन 7.2 बिलियन की पापुलेशन है, और 7.2 बिलियन में से हमारे पास 3.2 बिलियन लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट को यूज़ करते हैं। अच्छा, इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है वो सर्च इंजन्स को भी यूज़ करते होंगे। सर्च इंजन अगर देखा जाए तो गूगल टॉप पे है, जो मैंने बता दिया, ठीक है। तो गूगल पे कोई भी बंदा अगर क्यूरी करता है तो उसमें से तकरीबन 90% ऐसे लोग होते हैं, 90% जो जो लोग इंटरनेट पे आते हैं, तो 90% उनमें से ऐसे लोग, मतलब 3.2 बिलियन लोग है फॉर एग्जांपल, उनमें से 90% लोग ऐसे हैं, कोई भी चीज़, कोई भी डिसीजन मेकिंग किसी चीज़ को लेने के लिए अगर वो करते हैं तो सबसे पहले गूगल पे जाके या किसी और सर्च इंजन पे जाके उस प्रोडक्ट सर्विसेज या जो रेलेवेंट उसकी जो क्यूरी होती है वो गूगल पे करता है, और उस चीज़ को सबसे पहले सर्च करता है, और उसके बाद सर्च करने के बाद वो डिसीजन मेकिंग करता है कि मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, तो ये तो एक रियल फैक्ट हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर जब वो गूगल पे सर्च करता है या किसी सर्च इंजन पे सर्च करता है, तो उसमें से जो हमारे पास फर्स्ट 3 रिजल्ट्स हैं, मतलब ये तो नॉर्मली मैं पेड रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, जो ऑर्गेनिक रिजल्ट है, फर्स्ट 3 रिजल्ट, 1, 2 एंड 3, ये एक ट्रायंगल बनता है पूरा, ठीक है। इस पे 70% लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट 3 रिजल्ट्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट 3 रिजल्ट्स है दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हमारे पास हमारी जो वेबसाइट है वो फर्स्ट 3 रिजल्ट्स में आनी चाहिए, तो हमें 70% जो यूज़र है उनका क्लिक मिल सकता है, और 90% हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कि वो सेकंड पेज से आगे जाते नहीं है, सेकंड पेज से आगे मतलब वो सर्च ही नहीं करते, ब्राउज ही नहीं करते। तो मतलब फर्स्ट पेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 30% हमारे पास, सॉरी 70% हमारे पास फर्स्ट 3 रिजल्ट्स को देखते हैं, और जो बकाया जो 30 30 या तकरीबन 15% ऐसे लोग हैं, 15 to 20% के वो नीचे रिजल्ट्स को देखते हैं, और कुछ कुछ 10 up to 10% लोग ऐसे हैं, 5 to 10, 7 to 10% नॉर्मली कहते हैं, या 5 to 10% ऐसे लोग हैं जो सेकंड पेज, और सेकंड पेज के 90% लोग आगे जाते ही नहीं है, ब्राउज ही नहीं करते, सर्च ही नहीं करते, एंड ट्रस्ट ही नहीं रखते कि आगे भी कोई चीज़ पॉसिबल है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि SEO में हमारे पास पहले पेज पे आना कितना लाजमी है। ये लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, और आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट में लिख के, मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिप्लाई कर सकूँ। हमारा हमारे चैनल को, डिजिटल गाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, मोर वीडियोस के लिए, आर्टिकल्स पढ़ने के लिए यू यू कैन विजिट www.digitalsguide.com।